नमस्कार. लोकोत्सव 2020 निमित्तान आम्ही येल्या कलाकादमी हांगासर. कलाकादमीन सध्या लोकोत्सव चालू असा आणि बरेचसे स्टॉल आमकां पळोवपाक मेळटात. गोव्यातले तसेच गोंया भायले लोक हांगासर येतात. खूप तरेचे स्टॉल्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमी तेंच्या कडेन जाणून घेया की ते स्टॉल्स कशे तेंच्यांनी केल्या, स्टॉलांत कितें कितें आसा आणि ते करपाक तेंकां कितें कितले दीस लागले, तेंकां रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो हें आमी जाणून घेया. होंडा 70 कलर. हांव एक्रेलिक यूज करता. लोकोत्सव फस्ट टायमच हांव येयला हांगा लोकोत्सवाक. रिस्पॉन्स तसो लोक पळयता आनी वयता. लोकांक आवडटा म्हाजी पेंटींग. हय, रिस्पॉन्स बरो आसा तसो, पूण सेल तितली जायना ती. कितली वर्सां जाली तूं पेंटींग करता? 10-15 वर्सां जातली. हांवें एक म्हटल्यार मनान चिंतून हांवें काडल्या ती, इमेजींग करून आनी थोडी लाय पळोवन काडल्या प्लेसीर वचून. किती वर्सां आठ वर्सां तरी जातली. हँडमेड करता? हँडमेड करता आमी. हे क्रोशाचे सगळे पेंटींग, एम्ब्रॉयडरी, मॅटीचे सगळे आनी असले हेचे आयटम, वुलन आयटम एकटी हांव करता. बरो आसलो, बरें आसलें. आतां कमे दवरले हांवें ते बदकां मायक्रोनीचे करता, पेंटींग पिलो को तोरण हे वुलाचे बाकी सगळे ड्रेस बीन भुरग्यांचे मेय असे धाकट्यांचे आणि असे सगळे करते. तुवाले, टेबल क्लॉथ. किती वर्ष झाली तुम्ही स्टॉल लायता? दिस इज फर्स्ट टाइम. ना, आम्ही खावपाचे घातलेले. हय, आणि तुम्ही सगळे हँडमेड करता? हय, हँडमेड थोडे आसा भायले, पण हँडमेड करता. कसो रिस्पॉन्स आला? आसा, ओके, वाईट ना, पण आसा. तितलोय बरो ना, पण ओके. खूप आसा न्ही शॉपा? हय, स्टॉल समोर 800 समोर आसा स्टॉला. किती किती आसा? ते तुवाले आसात विणलेले, मागीर हे आसा तोरणां आसा दिपळे, मागीर कुर्ताज बी दवरला आमी आनी पर्सीस बी विणलेले सगळे हँडमेड. ना आनी खंय अशें मॉलान बी आसल्यार लायता. शांता घुसपांजी. खंयचे खंयचे आयटम्स? सगळे मैसूर. हा, मैसूराचे. आणि हे केरला टपियोगा आणि केरला बनाना. हा, बाकी सगळे मैसूर. हा, माझ्याकडे टमाटो हा, जिलेबी हा, पास्ता हा, सोया स्टिक हा, मंचुरियन फ्लेवर हा, टॅपॅक्यूनमध्ये 2 फ्लेवर हा माझ्याकडे. तो कसं बारा वाजले? रिस्पॉन्स बऱ्या बऱ्या बऱ्या.
कितनी साल से ये स्टॉल लगा रहे हैं लोग? 2 साल हो गए हैं, बट इस साल एक्सक्लूसिवली पहला फर्स्ट ईयर है, अदरवाइज 2 साल से लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूट का काफ़ी काम है, ये एक्सक्लूसिव फोल्डर्स हैं जूट का जो हाथ से बनता है, बिल्कुल कम्प्लीटली हाथ से है। उसमें ये बैग्स हैं हमारे पास जो मशीन से बनते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली स्टफ की कोशिश करी है कि लोग कैनवस के बैग्स को और जूट के बैग्स को प्रमोट कर सके, और तो ये सारा सामान है लगाने के लिए। लोगों का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा था, खासकर जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में रहती हैं हाउसवाइफ, वो अपना जो एक्चुअली जो टैलेंट है इसके थ्रू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, खासकर वुमेंस के लिए। आप देखेंगे हम मैक्सिमम स्टॉल वुमेंस का है, तो एक्चुअली एक वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाता है कि ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और लोग काफ़ी आके सपोर्ट भी करते हैं चीज़ों के लिए। तो इट्स अ गुड अर्निंग एट द सेम टाइम एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर वुमेन ऑल्सो एट द सेम टाइम। बेसिकली तो मेरा जूट और कैनवस का है, और ये सीक्वेंसेस हैं जो बच्चों के लिए आउटसोर्स रहता है। बट जैसे मेरे पास ये है बैग्स, ये जूट है जो हैंडीक्राफ्ट इंडिया से सर्टिफाइड रहता है, तो इसमें आप बहुत आराम से वेट कैरी कर सकते हैं अपना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये भी बैग्स हैं। ये जूट बैग्स हैं, कलमाकारी बैग्स हैं ये। तो कोशिश यही रही है कि जितना इको फ्रेंडली सामान लेकर आ सके लोगों के लिए उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। नहीं, हैंडमेड भी है और मशीन मेड भी है, बेसिकली दोनों हैं, क्योंकि हैंडमेड होगा तो उसका मशीन का काम ज़रूर चलेगा ही चलेगा, तो दोनों ही एक तरीके से। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। और कहाँ से आए? भागलपुर बिहार। ये 4 से 5 साल हो गए आते आते। अपने पास सूट है, साड़ी है, दुपट्टा है, रनिंग फैब्रिक है, सारा हैंडलूम मटेरियल होता है, ये सब हैंड ब्लॉक प्रिंट है, ये सब हाथ से प्रिंट होता है जी। जितना भी जो फैब्रिक लगा सब हैंड प्रिंट है, ये सारा हैंडलूम फैब्रिक है ये। और लोगों का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस ठीक है, बेटर है, मतलब ठीक है, मतलब यह पिछले साल से थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा ज़्यादा नहीं नॉर्मल, मतलब मिला जुला के लास्ट तक हो जाएगा। कितनी वर्ष आई ऑलमोस्ट 3 इयर्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज इन द आई हैव हैंडमेड बैग्स हैंडमेड ज्वेलरी पेंटिंग्स Then I have some wealth out of waste. This is my quilt, hand-stitched carpet. It can be used as carpet. Wall hanging decorations, handmade flowers. Then I have crochet work. And how many days do you? Mostly, I have taken almost 6 months. Yeah. I don't have a shop. I do this from my home. Last year it was good, this year it's very slow. Yeah, maybe because of too many stalls and too much competitions. kitli varsha ali tum stall le raha? 2 varsha ali sagle saadiyo blouse piece ani vindele sudha tuvale astat majhya kade and bed sheet सगळे मेक्सी आणि पटल्या वर्षापेक्षा या वर्षा रिस्पॉन्स कसा आला लोकांचा? असा ना असा बरं असा। सो दिस इज माय फर्स्ट इयर, आय एम अ सीनियर सिटिझन, आय जस्ट गॉट द कार्ड दिस इयर। I sell Western garments, export surplus cotton, starting from 300. There's a discount sale. Anybody can come for 300. They can pick anything. Handmade. Some are stitched. Some are ready-made. माझे पहिले फॉर्टे आम्ही स्टॉल लायला आणि माझे ब्लाउजेस असा आम्ही स्टिच केले पॅटर्न वाईज आणि डिफरंट पॅटर्न्स असा आमचे आणि जयपुरी बॅग्स कलेक्शन थोडे आमचे हॅडमेड असा डिझाईन्स असतात आणि थोडे आम्ही ऑर्डर करतात बट आमचे डिझाईन्स खूप असतात। रिस्पॉन्स लोक येतात खूप येतात बट शॉपिंग खूप कमी असा लोकांचे बिकॉज ऑफ इकॉनॉमी आय थिंक बट रिस्पॉन्स बरा असा लोक येतात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजी, शाहजी एम के। कहाँ से है? केरला से आया है। कौन सी कौन सी चीज़ें आपको? हमारे पास हर्बल सोप्स है, ऑयल है, परफ्यूम्स है, हैंडमेड सोप्स है। दिस इज मेड आउट ऑफ कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट पाउडर एंड ऑल। अभी मैं शायद 10 साल हो गया, हर साल में लगा रहा हूँ। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा है, हमारा तो परमानेंट कस्टमर है, हर साल में आते हैं परमानेंट कस्टमर, तो वो लोग के लिए हमारा स्टॉल ढूंढ के आ रहे हैं आदमी लोग। ये केरला में लेडीज़ का ग्रुप है कुटुंबश्री बोल के, वो लेडीज़ बनाते हैं घर में। हाँ हंगा 500 वर्षा हाँ सदा सोप सोप सोदूँ आने हंगा ये ये हैंडमेड सोप आनी हमें आता पे घोप सगे तरह मुद्दम हाँ सोप वरपा
हंगासून एक कपडे असतं पण ते कॉटन ते एक घेता. आणि कसे या वर्षा स्टॉल चढ असं तुमकां कशी किती दिसता की म्हणजे हांगसून आयला पळय थंय आमकां इयरिंग्स खूप म्हणजे खूप बरे बरे आसा इयरिंग्स आनी रेट रिजनेबल आसा चड म्हारग ना फुडें पळोवंक ना हांवें म्हटल्यार हांगा पसून ते रिजनेबल रेट आसा. फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्साचो लोकोत्सव मातसो आनी मातसो आनी आसा हय उमेदीन आसा आमी. We come from Assam state. Exactly, Assamese means main Assamese traditional product is mekhela chador. Means this is a sari in three pieces. And how many years you have been here for Lokotsav? We are the for the first time here in Goa, but in any other states from 2005 we loitering from one to another states, but here is first time. We get very good response here. Lokotsav is good. I have bought lot of things and if I feel like there are something new things also what I could see. This is with eco-friendly things, so it's something new. Which is, and I feel that if I didn't have a chance to get a chance, I would have a lot of stalls. Yeah. What kind of stalls do you have? Yes, I have a lot of stalls and the arrangement is also made good. Like dust, not dust. Yeah, this year we have given more preference. I am buying more things made by the Goans. Thank you.
गावकरांनो, गावकरांनो, मी तुमच्या वाघेरीच्या डोंगरावर राहायचो, तिथलं आता पाणी आटलं, पाला बिलं कमी झाला, तेव्हा तुम्ही आता मना तुमच्या दुसऱ्या डोंगरावर राहायला जागा दिली तर माझं भलं होईत बघा, तेव्हा देता ना जागा, मग कुठं हाती जागा, चांदीच्या डोंगरावर, बर माझी मसर घेऊन तू तुमच्या चांदीच्या डोंगरावर आलो तर तुमच्या देवाला क्या देवा हव, 5,000 रुपये गावकरांनो, आता माझ्या पप्पा पैसे कुण हात, मी असं करतो बघा, माझा एक 30 रेडा हा तो तुमच्या देवाला देतो, मग झालं गे, बर माझी मसर घेऊन मी तुमच्या त्या चांदीच्या डोंगरावर राहतो, मी जातीचो
Hey!